ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस न्यू वीडियो में हम आप वाले हैं कि ट्रेन का स्टेटस कैसे पता करें। जी हां दोस्तों, ट्रेन एक्चुअल में कहां पर है, कितने समय के लिए डिले चल रहा है, ट्रेन नंबर से या फिर से ट्रेन के नाम से कैसे पता करेंगे कि ट्रेन जो है वो कहां पर है, तो इसके लिए आपको कुछ ही सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, देन फिर सर्च बार में आने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है वेयर इज माई ट्रेन स्पेलिंग, आप यहाँ पे ठीक से देख लीजिएगा। सर्च करने के बाद जो है वो कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आ जाएगी। ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एप्लीकेशन की इंटरफेस जो है वो मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको जर्नी जहाँ से स्टार्ट करनी है, जैसे कि फ्रॉम स्टेशन, मानिए हमें जो है वो पटना से जर्नी स्टार्ट करनी है, तो पटना जंक्शन सेलेक्ट कर देते हैं। और जर्नी जहाँ पर आपको एंड करनी है, जैसे कि न्यू दिल्ली, तो टू स्टेशन में जो है वो आपको न्यू दिल्ली डाल देना है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं, पटना जंक्शन मैंने इसलिए ऊपर में डाला है कि यहाँ से मुझे जर्नी स्टार्ट करनी है, और न्यू दिल्ली जो है वो हमारी जर्नी एंड होगी, ट्रेन की जर्नी। तो यहाँ पे फॉर्म में हमें वो डाल देना है नीचे वाले में। उसके बाद फाइंड ट्रेन्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। और फ्रेंड्स, पटना से लेकर न्यू दिल्ली तक जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे नाम के साथ साथ नंबर भी आपको यहाँ पे शो होने लगेगी। और आपका जो भी यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, जिस ट्रेन में भी आप टिकट बुक कर रखे हो, उस ट्रेन पे आप क्लिक करके उस ट्रेन का स्टेटस जान सकते हो। जैसे कि हमें पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन का स्टेटस जानना है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं। देन फिर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये ट्रेन जो है ना, वो दीनदयाल उपाध्याय जो है वो पहुँचने ही वाली है। ठीक है, मुगल सराय में ये ट्रेन जो है वो फिलहाल रुकी हुई है, कुछ समय में जो है वो दीनदयाल उपाध्याय ये ट्रेन जो है वो पहुँच जाएगी। साथ ही साथ ये ट्रेन पटना जंक्शन से 4:10 PM में स्टार्ट हुई थी, चली थी। ठीक है, 4:10 PM मीन्स शाम के 4 बजे। साथ ही वहीं पर ये ट्रेन जो है ना, वो सुबह के 6 बजे जो है वो न्यू दिल्ली पहुंचने वाली है। बाकी फ्रेंड्स, ट्रेन के नेम एवं नंबर से हम कैसे पता करेंगे, तो आपको बैक आने के बाद होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है। और ट्रेन नेम आप देख सकते हो ऊपर में लिखा हुआ है, ट्रेन नंबर एंड ट्रेन नेम, तो आप यहाँ पे ट्रेन का नाम भी डाल सकते हो या फिर से ट्रेन का नंबर भी डाल सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेन का नंबर डाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर मिथिला एक्सप्रेस सर्च किया हूँ, नंबर से ही आ चुका है हमारा ट्रेन। ठीक है, देन फिर सर्च करने के बाद आप देख सकते हो ये ट्रेन जो है वो फिलहाल लखीसराय जंक्शन जो है वो पहुंचने वाली है। एंड फ्रेंड्स, आप कुछ इस तरीके से जो है वो ट्रेन का नंबर या फिर से नाम डाल के भी पता कर सकते हो कि एक्चुअल में ट्रेन जो है वो कहां पर है, कितने समय डिले चल रहा है, कब तक पहुंचेगी, वो सभी की सभी जानकारी आप यहां पे स्टेशन वाइज ले सकते हो। देखिए, इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे टूल्स दिए गए हैं, फीचर्स दिए गए हैं। अगर मैं एक एक फीचर्स को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। बाकी दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।